हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम बनाएंगे एक चटपटा सा चीज। तो आज मौसम बहुत बेदर्दी है दोस्तों, देखिए एकदम रात में भी बहुत पानी पड़ा है और अभी भी हल्का हल्का बारिश हो रही है। तो मौसम एकदम खराब है, पूरा बादल छाए हुए है। तो आज हम बनाएंगे चटपटा एक चीज। तो जो चटपटा चीज बनाएंगे दोस्तों, तो आप लोग लगता है कोई खाए नहीं होंगे, अगर यदि खाए होंगे तो कमेंट कीजिएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो बनाने के लिए और बताते हैं क्या चीज का चटपटा बना रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये योल का पत्ता है, कितना हरा हरा दिख रहा है, देखिए कितना सुंदर सुंदर दिख रहा है। तो योल का जो सब्जी बनाते हैं ना, तो उसी चीज का वो उसी का पत्ता है ये। तो वही पत्ता का आज हम पकौड़ा बनाएंगे। तो बहुत चटपटा लगता है खाने में, तो ये वाला हम तोड़ करके ले आए हैं। तो चलिए अब इसको पहले हम धो लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, योल का पत्ता हम धो लिए हैं, एकदम कितना सुंदर हरा हरा दिख रहा है और बहुत चटपटा लगेगा खाने में। तो अब इसको हम पहले काट लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, पत्ता हम काट लिए हैं। अब इसमें हम मिलाते हैं चना का बेसन। ये देखिए पैकेट वाला बेसन है, चना का बेसन है, इसे हम डाल देते हैं। तो जितना बेसन लगेगा पत्ता में उतना हम डाल रहे हैं। अब इसमें हम डालेंगे दो प्याज, काट लिए हैं और प्याज को डाल दिए। अब डालते हैं देखिए अदरक और लहसुन का पेस्ट है, इससे चटपटा बनता है। और ये देखिए हरी मिर्ची बारीक काट लिए हैं, इसे भी डाल देते हैं। अब डालते हैं हल्दी पाउडर। स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं, एक चम्मच डाल रहे हैं काला जीरा, कलौंजी भी बोलते हैं। और ये देखिए अजवाइन है, ये हाजमा में भी काम करता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसे हम मसाल करके डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। देखिए इसे भी डाल दिए। अब इसमें ये योल का पत्ता है दोस्तों, ये तो थोड़ा कुलकुल लगता है खाने में, थोड़ा जीभ पर लगता है अजीब जैसा। तो चलिए इसके मारने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए नींबू लिए हैं, ये नींबू का रस हम आधा डाल देते हैं। ये देखिए अब इसे हम अच्छी तरह से सान देते हैं। ये देखिए पानी है पत्ता में, तो थोड़ा पहले पानी हम नहीं डालेंगे, थोड़ा सा पानी देना पड़ेगा। ये देखिए हाँ, बेबी वीडियो बना रहे हैं, तू खाएगी। अच्छा पता सा बनाने वाले हैं हम, तुम बड़ी खाएगी क्या बेबी? खाएगी। तो देखिए ये मेरा पेस्ट बन गया, ये देखिए सान लिए हैं पकौड़ी बनाने के लिए। तो चलिए अभी इसको हम ढक करके रख देते हैं और चलते हैं आग जलाने। चलो बेबी उधर चलो, तो थोड़ा सा ढकेंगे इसको। तो आग जला लिए हैं, अब चढ़ाते हैं पहले कढ़ाई। हाँ कढ़ाई, तो कढ़ाई मेरा गरम हो गया है। अब डालते हैं सरसों का तेल, तो तेल मेरा गरम हो गया है। अब डालते हैं हम पकौड़ी। खुश
तो पकौड़ी जब बनाइएगा दोस्तों, योल का पत्ता है इतना सा जरूर ध्यान दीजिएगा। जो योल का पत्ता योल बनाइएगा उसमें भी, योल का पत्ता बनाइएगा उसमें भी थोड़ा सा खटाई जरूर डालिएगा। जैसे हम नींबू डालें, हाँ खेलो खेलो जा करके, तो नींबू डालिए, नहीं तो आमचूर पाउडर डालिए, और नहीं तो इमली डालिएगा। तो इतना ध्यान जरूर दीजिएगा, नहीं तो जीभ पर एकदम कुटकुटी लगेगा खाने में, तो बाद में कमेंट कीजिएगा क्या क्या बना दिए हैं। हाँ तो ये सब सब जरूर ध्यान दीजिएगा। ये जो योल का पत्ता है हमारी सासू माँ बनाती थी, हमारी माँ भी बनाती थी, बहुत चटपटा लगता है खाने में। तो आप लोग भी बना करके खाइएगा दोस्तों, देखिएगा इसका क्या टेस्ट है, और टेस्ट अगर अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, खराब भी लगा वो भी कमेंट कीजिएगा। तो ये देखिए पकोड़ा मेरा बन गया है, अब इसे हम निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना सुंदर मेरा पकोड़ा बना है, देख रहे हैं, बहुत सुंदर एकदम लाजवाब दिख रहा है, खाने में भी उतने टेस्ट लगेगा ये। तो इसी तरह हम सारा पकोड़ा डाल लेते हैं दोस्तों, आप लोग मेरे वीडियो पर बने रहिएगा। तो ये लीजिए दोस्तों, योल पत्ता का पकोड़ा मेरा तैयार है। तो देखिए खाने में कितना टेस्ट बना है, देखने में जिस तरह टेस्ट लाजवाब लग रहा है उसी तरह खाने में भी टेस्ट लगेगा। तो थोड़ा सा इसमें यही एक खासियत है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर ये वाला बनाइएगा तो खट्टा इसमें जरूर डालिएगा, तो इसका कुलकुली मरेगा। और खट्टा नहीं डालिएगा तो खाने में थोड़ा जीभ पर लगेगा, अजीब टाइप का मोटा मोटा सा कुलकुली लगेगा। तो दोस्तों खाने में बहुत टेस्ट लगेगा, एक बार आप लोग भी जरूर बना करके खाइएगा और कमेंट कीजिएगा इसका टेस्ट क्या है। तो दोस्तों मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।